में जाओ। अरे तो स्टार्टेड है कहाँ योर लाइफ, लाइव चलो देख, बोलना स्टार्ट कर दो। कहाँ लाइव, वो कर दिया क्या? हाँ ये लाइव है, चलो स्टार्ट करो बोलो। नमस्कार, हेलो, कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्रता के साथ देर आने के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल कमी के कारण हम लोग बहुत देर तक अपने जो हमारे आज के जो कला गुरु हैं इंद्रजीत सिंह कुदरत साहब, इंदर इंदर सिंह कुदरत साहब, इनके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और कुछ तकनीकी खामी इनके तरफ से और कुछ हमारे तरफ से थी, जिसके कारण हम नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए देरी हुआ। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मीनाकारी के कलाकार हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो जयपुर से हैं, वो एक ऐसे कलाकार हैं जो जयपुर के महाराजा ने किसी जमाने में इनको बुलाया था। एक ऐसे कलाकार हैं जो अनेक पीढ़ियों से इस कला को कर रहे हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो स्वयं भी करते हैं, अपने बेटे से भी करवाते हैं और अपने पोतों को भी करवाते हैं। तो इन्होंने यह निश्चित कर रखा है कि यह कला जो ये कर रहे हैं, मीनाकारी की कलाकारी, वो अभी 100 साल 75 साल तक इनके हाथ से जाने वाला नहीं है। आज जब बहुत सारी कलाएं अपना दम तोड़ रही हैं, उस समय में ऐसे कलाकार हमारे पास है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए अब हम आप लोगों का बिना समय गवाए मैं श्री कुदरत साहब को, शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपना परिचय दें और वो अपनी कला के बारे में लोगों को बताएं। जी सर, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, जी मैं जयपुर से हूँ। मीनाकारी कुंदन का जो विश्वविख्यात काम है वो मेरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। 16वीं शताब्दी से महाराजा मान सिंह प्रथम काबुल गंधार की लड़ाई को जीत के आते हुए हमारे बुजुर्गों से उनकी मुलाकात हुई। उन बुजुर्गों के बारे में मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा, ये मेरे बुजुर्ग लोग हैं। इसके अंदर जो यहाँ ये बैठे हैं, ये धन्ना सिंह जी हैं, उसके आगे गोमर सिंह जी हैं, उसके बगैर हजारी सिंह जी हैं, तो उसके बगैर बिहारी सिंह जी। ये मेरे बुजुर्ग, इनके ऊपर 1886 के अंदर यहाँ के गवर्नर जनरल सॉरी चीफ इंजीनियर और गवर्नर ने हमारे बुजुर्गों के ऊपर, उनके आर्ट के ऊपर इनामलर्स ऑफ जयपुर के नाम से किताब लिखी थी। वो दुनिया के सब रेयर म्यूजियम्स के अंदर, या यूं कहूँ कि जो आर्ट और क्राफ्ट की जो म्यूजियम्स हैं, जो विश्व धरोहर को संजोना जाते हैं, उन म्यूजियम में वो सुरक्षित हैं। कुछ म्यूजियम में जानकारी के हिसाब से लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, कुछ दुष्ट प्रकृति के लोगों ने उनको खोद बुगर्त कर दी है। खैर, यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं इंदर सिंह कुदरत हूँ। भारत सरकार ने मुझे मीनाकारी कुंदन की कला के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2015, नेशनल अवार्ड 2009। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारत सरकार का हस्तशिल्प क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। ये पुरस्कार हम शिल्पकारों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें नकद राशि भी दी जाती है और शिल्प गुरु पुरस्कार के अंदर गोल्ड मेडल दिया जाता है। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मेरे परिवार, मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर वरदहस्त है कि मैं अपनी वंश परंपरागत कला को, जो मीनाकारी कुंदन की कला है, विश्व पटल के ऊपर मेरे परिवार के ब्रांड नेम से जानी जाती है। अगर कहीं ये सिलसिला चलता है
कि मीनाकारी कुंदन की ज्वेलरी कहाँ बनती है, तो जवाब आता है भारत के अंदर। भारत का नाम लेते हैं तो जवाब आता है जयपुर, और जयपुर का नाम लेते हैं तो बनाने वाले शिल्पकारों का नाम आता है तो वो है मेरे और मेरे परिवार। इसमें मैं ये बता देता हूँ, हमारे बुजुर्गों में जो 1886 के अंदर गोल्ड मेडल मिला था, उसके बाद में यहाँ के जो महाराजा मानसिंह सेकंड थे, उनका जो 25 साल का सिल्वर जुबली राज प्रशासन का जो एक समारोह वृद्ध समारोह हुआ था, उसमें हमारे बुजुर्गों को गोल्ड मेडल मिला था। या अब आप ये इस 21वीं सदी में मुझे भारत सरकार से गोल्ड मेडल मिला है। इसके पूर्व मेरे पिताजी सरदार कुदरत सिंह जी, वो इस कला के मीनाकारी कुंदन की कला के, मैं मेरी भाषा में अगर कहूँ तो वो इस कला के बेताज बादशाह थे। उनकी कला को, उनके कला को जानने वाले, उनकी कला को प्रेम करने वाले, उनके मुंह से मैंने सुना है, उनके मेरे पिताजी के साथ में मैं मेरे कारी ग्राहकों के पास में, मेरे सेठ साहूकारों के पास में जाता था, या जो आर्ट लवर हमारे आते थे वो ये कहते थे, कुदरत सिंह जी आप वाकई में कुदरत हो, आपके हाथ में कुदरत की नेमत है, आपकी बनाई हुई चीज को हम हजार आदमी के बीच में भी खड़े होके पहचान सकते हैं कि ये किसकी चीज बनी हुई है, कुदरत सिंह की बनी हुई है। ये मेरे परिवार को प्रभु का आशीर्वाद है, और मेरे परिवार से, हमसे, मेरे बुजुर्गों से, मेरे पिताजी से, मुझसे, सब अवसरों के ऊपर कला को सीखने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्टमैन आए, महीनों सालों तक इस कला को उन्होंने सीखने का प्रयास किया। उसके अलावा हमारे जो यहाँ के लोकल हमारे जो क्राफ्टमैन हैं, उन्होंने भी इस मामले काम को करने का अथक प्रयास किया। मैं किसी के कार्य की आलोचना नहीं करूँगा, हाँ वो अपने अपने प्रयास से बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो हम उनसे लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और उतने ही बेहतरीन इंसान हैं। और कभी कभी होता है कि जो बेहतरीन को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो कुदरत साहब हमसे कट गए हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको फिर से ले आऊँ। शशांक एक, हाँ वो फिर आ रहे हैं, फिर हमने उनको ले लिया। जी आप बोलिए, जी आप बोलते जाइए, बोलिए। मैं ये बता रहा था जी, ये कला कर रहे हैं हमारे परिवार के अलावा भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरे परिवार के भाई और रिश्तेदार हमारे और दूसरे वर्ग के लोग भी। अब तो पहले तो यही था कि हम अपने ही परिवार के लोगों को काम सिखाते थे, लेकिन पिछले 50 वर्षों में इसमें बड़ा अंतर आया है, अनेक वर्गों के, अनेक समुदाय के लोगों ने इस कला को सीखा है। पहले वैसे तो हम लोग सिख धर्म को अपनाते हैं, इसका भी बारे में आपको मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि हम जाति से तो स्वर्णकार हैं, मीनाकारी का काम करने वाले जन्म जात जो कलाकार है वो मात्र स्वर्णकार ही है। उसके बाद में अब लोगों ने अनेकों वर्ग में, अनेकों समुदाय में, चाहे बनिए हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे मैत्री हों, चाहे कडेल वालों, चाहे जैनी हों, ओस वालों,
या कोली हो या धान के हो या रैगर हो, मेरे ख्याल सातों जाते ने अभी उस काम को करना शुरू कर दिया। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बताना चाहूंगा कि मीनाकारी का काम, ये सत्य है कि दुनिया के पटल के ऊपर जयपुर का ही नाम है, लेकिन इसके अलावा मीनाकारी कुंदन का काम राजस्थान के दो अन्य शहरों के अंदर भी होता है। पहला तो नाम है बीकानेर, दूसरा नाम है श्रीनाथ मंदिर के पास में नाथ द्वारा, उदयपुर के पास में है। वहाँ पे एक अलग प्रकार की मीनाकारी होती है, लेकिन वंश परंपरागत मीनाकारी जो जयपुर की होती है वो और कहीं नहीं। नंबर चार, बनारस। बनारस की गुलाबी मीनाकारी विश्व विख्यात है, उसका कोई एक पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन जैसा मेरे इस आर्ट का, मेरी मुकुंदन मीनाकारी का जो इतिहास है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। ऐसे ही बताया जाता है कि, और मैंने उन कलाकारों को भी देखा है यूपी के अंदर, नखलऊ के अंदर भी, वो नवाबी लोगों के लिए कुछ मीनाकारी के काम करने वाले दो चार परिवार थे। कुछ जैसे ही नवाबों का जमाना बदला तो वो लोग यहाँ जयपुर में आके काम करने लगे, और जयपुर का नाम तो दुनिया में फेमस है, यहाँ काम का कोई घाटा नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि जो नए कलाकार काम सीख रहे हैं और जो हमारे वंश परंपरागत मीनाकारी का काम हो रहा है उसके अंदर वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ये मैं तो इस भाषा में तो मेरे बुजुर्गों के सुने हुए अपने अवसरों से और मेरे अपने व्यक्तिगत तजुर्बे से मैं ये बता सकता हूँ कि ये गॉड गिफ्ट होती है, प्रभु की कृपा होती है। जिस किसी को जो चीज़, जो नियमत मिलती है, जो रहमत मिलती है, जो प्रभु की कृपा मिलती है, वो उसकी कृपा से ही मिलती है। कर्म सब करते हैं, कलाकार सब हैं, कला की प्रसिद्धि सबकी हो, मेरी तो यही शुभकामना है। लेकिन जो भारत के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरे परिवार की कला को ख्याति प्राप्त है वो कहीं नहीं। अब मैंने बीच में आपसे कहा था कि जब लाहौर से, काबुल गंधार से राजा मान सिंह जी जो प्रधान सेनापति अकबर के थे, वो जब वहाँ से जीत करके काबुल गंधार की लड़ाई से आए तो हमारे बुजुर्गों को जयपुर लाया। जयपुर शहर उस जमाने में जयपुर नहीं था, जयपुर के उस जमाने के अंदर जो प्राचीन रियासत थी, जो राज्य था, वो आम्बेर था। जयपुर सिटी से करीबन 7 किलोमीटर दूर आपने सुना होगा यहाँ का एक विश्व विख्यात किला है, उसका नाम है जयगढ़ का किला। वहाँ उस जमाने के अंदर हमारे बुजुर्गों को रखा गया, बकायदा एक कारखाना बना और उस कारखाने के अंदर विश्व की विख्यात, एक एशिया की सबसे बड़ी और पहली तोप यहाँ बनी, जो यहाँ के नाहरगढ़ जयगढ़ किले के अंदर आम पब्लिक को प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। और इस तोप के बारे में मैं मेरे सब्जेक्ट से अलग होके बता रहा हूँ, इसके लिए जो बताया जाता है ये एक ही बात चली है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो करीबन 50 किलोमीटर के अधिक इसकी मारक क्षमता है। ये उस वक्त की अपने आप में विश्व विख्यात तोप है। तो वहीं उन्होंने, राजाओं ने हमारे बुजुर्गों के लिए और जो उनके जो 36 कारखाना के नाम से जो कलाएं होती थी, 36 कारखानों से मेरा मतलब है नक्काशी का काम है, जरदोजी का काम है, पीतल के बर्तन बनाने का काम है, सोने चांदी की मीनाकारी का काम है, हाथी घोड़ों के रख उनमें लवाज में बनाने का काम है, बग्गियां बनाने वाले के काम है, अनेक मतलब अनेकों प्रकार के शिल्पकार है। इसमें ये जयपुर की जो खास चीज़ है टाई एंड डाई बंदेज का काम, जयपुर राजस्थान का सांगानेर के अंदर जो बनता है, यहाँ से 7 किलोमीटर ही दूर है वो, 11 किलोमीटर है, तो वहाँ से वो बनता है ब्लॉक बिल्डिंग का काम। ऐसे ही बगरू है यहाँ से 50 किलोमीटर, ये काम जो है ऐसी प्रकार की चीज़ों को बनाने वाले कारीगरों को
फैक्ट्री कारखाने के रूप में महाराजा ने दाखिल किया। हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने भी वहीं रह करके रजवाड़ों के लिए, रजवाड़ों के साथ साथ रजवाड़ों के जो खाट परिवार थे, ठाकर ठकरे थे और दूसरे स्टेट के अंदर राजा परिवार थे, उन लोगों के शादी विवाहों के अवसर के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने अनेकों अनेकों अवसर पे आभूषण बना करके दिए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, हम केवल आभूषण ही नहीं बनाते, आभूषण से मेरा तात्पर्य है कि जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि नारी का 16 श्रृंगार, कहने का मतलब यह है शीश चोटी, नाक, कान, गला, बाजू, कमर और पैर, इसके अंदर 16 प्रकार के विभिन्न नाना प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। इसके साथ साथ राजा महाराजाओं के लिए भी अनेकों प्रकार की ज्वेलरी, सर पे लगाने वाला उनके लिए सरपेच, कलंगी जिसको बोलते हैं, पगड़ी के ऊपर लगाने वाला पगड़ी पहना करते थे राजा महाराजा, नवाब लोग भी अपने टोपी पगड़ी पहना करते थे, उनके लिए भी बनता करता था, हुक्के हैं, सुराइयाँ हैं, कप प्लेट है, मैं आपको सब दिखाऊंगा, कुछ मेरे पास बने हुए हैं। अब मेरे पास तो खैर चांदी के हैं, लेकिन उस जमाने में हमारे बुजुर्गों को मैंने भी बनाया, मेरे बुजुर्गों ने भी बनाया, मेरे पिताजी के साथ में मैंने भी बनाया है, सोने की बना करते थे, शतरंज के सेट है, कंगा श्रृंगार के सेट हैं, श्रृंगार जो आजकल का फैशन वाली जो श्रृंगारदान बनते हैं, ऐसे श्रृंगारदान हैं, उनके लिए डब्बे हैं, सुराही है, प्ले उसके लिए प्लेट है, कप है, ज्वेलरी बॉक्सेस है, और शराब पीने के लिए भी तोते हैं, ऐसे अनेकों आइटम है, हुक्का है, ऐसी चीज़ें बनाया करते हैं। कुछ मैंने भी प्रयास किया है, तलवार है, तलवार की मूठ है, ऊपर नीचे की तैनार मोनार है, ये चीज़ें जो आजकल के लोगों को देखने के लिए अजूबा लगती हैं, मैं वो म्यूजियम आइटम आज भी बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मुझे पता है और मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर दिखाना चाहेंगे और आपको पसंद भी आएगी। इस बीच में अगर किसी को इस मामले में कोई बात का, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसकी प्रमाणिकता चाहिए, मैं प्रमाण भी दूंगा, कोई प्रकार के किसी को कोई इसकी जानकारी लेनी है तो उसकी जानकारी भी दूंगा, किसी को मेरी बात पे कोई एतराज है तो उसका स्पष्टीकरण भी मैं करूँगा। ये मैं दंत कथा नहीं है, मेरे बुजुर्गों के बारे में जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पुराने आए थे, और आज भी मैं मेरे परिवार की 19वीं पीढ़ी के अंदर, 19th जनरेशन के अंदर मैं राज परिवार के साथ जुड़ा हूँ। इसके साथ साथ देश विदेश के जो हमारे स्टेट गेस्ट आते, VVIP आते हैं, उनको मेरी कला को दिखाने का, मेरी कला का सरकार के द्वारा, मेरे व्यक्तिगत तौर के द्वारा उनको मैं सम्मान में भेंट भी करता हूँ। मेरी कला देश बल्कि विदेश की राष्ट्रीय धरोहर के म्यूजियमों के अंदर, संग्रहालयों में मेरे बुजुर्गों की कला के साथ भी देखी जाती है। यहाँ मैं बड़े अपने आप को गौरवान्वित होकर बताना चाहूँगा, इंग्लैंड में जो एक म्यूजियम है, जो राष्ट्रीय म्यूजियम है, ऑक्सफोर्ड म्यूजियम जो है, उसके अंदर ब्रिटिश संग्रहालय जो है, उसके अंदर आप ये देखिएगा, इंडियन ज्वेलरी के ऊपर, भारतीय ज्वेलरी के ऊपर एक विशेष सेक्शन बना हुआ है, वहाँ मीनाकारी कुंदन की ज्वेलरी के लिए एक अलग से विभाग बनाया। पिछले दिनों कुछ ज्वेलरी वहाँ से जानकारियाँ मेरे द्वारा मांगी गई थी, मैंने उनको दी हैं, उनको ऐतिहासिक जानकारियाँ चाहिए थी, वो ऐतिहासिक जानकारियाँ मैंने दी है, क्यों कि मैं जानता हूँ कि ये मेरे किस बुजुर्ग के द्वारा कौन सी कलाकृति बनाई गई है, तो मैंने उसके बारे में उनको जानकारियाँ दी। अभी भी राज परिवार या अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर जिस किसी को कोई चीज़ें देनी होती हैं, कोई पुरस्कार में या कोई सम्मान में कोई चीज़ देनी होती है, तो मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि मेरे आइटम भी उसमें देने के लिए
चुने जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे केवल भारत सरकार ही नहीं, मुझे राजस्थान सरकार ने भी सम्मानित किया, मेरे को अनेकों संस्थाओं ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने, विदेशी सरकारों ने भी पुरस्कार दिए। मैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, रोमानिया आदि, इटली, अनेकों देशों की यात्रा कर चुका हूँ और मुझे इस बात के लिए मैं भारत सरकार का विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो हम लोगों को, मेरे जैसे अनेकों क्राफ्ट मैंने शिल्पकार है जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में, मेले में हमारा कला का प्रदर्शन के लिए हमें चुनती है और हमें भेजती है। हम लोगों को भारत सरकार बहुत अच्छे तरीके से कला के उत्थान के लिए कार्य करती है। इसमें भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय के तहत डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट का विशेष सहयोग है, वहाँ के जो अफसर अधिकारी कला के बारे में जानकार होते हैं, नहीं होते हैं तो कुछ दिनों में रह करके वो कला के बारे में इतने सम्मोहित हो जाते हैं, वो कलाकारों के उत्थान के लिए नई से नई योजनाओं को हर वर्ष हर समय लॉन्च करते हैं। मैंने मेरे दो बेटे हैं उनको ये पूरा काम सिखा दिया है। बड़ा बेटा मेरा हरमिंदर सिंह है, उसको पढ़ा लिखा है दिया और इतना अच्छा भगवान की दया से वो पढ़ गया है कि वो क्राफ्ट डिज़ाइनर के रूप में यहाँ का इंडियन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद में बीकॉम के बीए के बाद में एमए वगैरह की जो डिग्रियाँ होती हैं, मास्टर डिग्री जिसको कहा जाता है, और आर्किटेक्ट के ऊपर उसने डिग्री हासिल की है और अभी वो राष्ट्र के अनेकों देश में, देश के अनेक भागों में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, या यूँ कहिए कि क्राफ्ट प्रमोशन रूप के ऑफिसर के रूप में भारत सरकार के आदेश के ऊपर वो वहाँ प्रदर्शन करने बच्चों को आगे नई जनरेशन को परंपरागत कला के जीवित रखते हुए नई विधियों को, नए प्रयोगों को करके अपने उत्पादन को और अच्छा तरीके से बनाने के बारे में प्रशिक्षण भी देता है। मेरे इस बेटे ने इस कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। दूसरा मेरा बेटा मनमीत सिंह है, वो भी मेरे साथ में रह करके इस काम को मैंने उसको सिखा दिया है और उस काम को सीख कर उसको भारत सरकार ने नेशनल मेरिट अवार्ड 2017 से सम्मानित किया है। यहीं नहीं रुका हूँ मैं, जैसा मेरे बुजुर्गों ने बेटे से पुत्र को या दादा से पोते को जो कला का हस्तांतरण हुआ है उसी परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा के तहत मेरे प्रभु की कृपा से बड़े बेटे हरमिंदर सिंह के दो बेटे हैं जयदित्य सिंह और तीरथ सिंह, और छोटा बेटा मनमीत सिंह है, उसका एक बेटा है उसका नाम है गुरु बच्चन सिंह। इन छोटी सी कोपलों को, इस छोटे से मल्लू फूलों को मैंने अभी से इस काम के बारे में बता दिया। आज मैं अगर उनके सामने कहूँ कि सलाई क्या है, सलाई से मेरा कहने का मतलब ये देखिए ये सलाई, वो आपको मेरे को बताऊँगा तो आपको जरा समझ में शायद नहीं आएगी, लेकिन मेरे बच्चा कह देगा हाँ ये सलाई है, और मैं कहूँगा बता ये सलाई लाना, वो लेके आ जाएगा मेरे को। अगर मैं कहूँ बेटा शान, तो देखो ये हमारी शान होगी, वो शान भी लेकर जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो उनसे अगर मैं कहूँ कि बेटा ये कलर है इसकी पहचान करो, मीनाकारी का कलर है, ये कलर कौन सा है, तो उनको टेक्निक पता है कि इस कलर को, ट्रांसपेरेंसी को देख करके वो मुझे बता सकते हैं कि दादू ये फोला इस कलर का है, ये ब्लैक है, रेड है, वाइट है, ग्रे है। मेरे हम जो हमारे बच्चे जो जन्मजाति का उस्ताद होते हैं कारीगर के, अगर कोई ये कहता है
कि कारीगर का बेटा कारीगर नहीं हो सकता, तो वो बहुत गलत बात बोल सकता है। हाँ, एक अधिकारी का एक बेटा अधिकारी नहीं हो सकता है कि जज का बेटा एक जज नहीं हो सकता, एक अलग इस विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन बहुत से लोग बगने का उत्तर दे रहे थे, जरूरी है क्या साहब, एक बच्चे का एक बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे थे, बड़े कलाकार थे, ये थे वो थे, तो वो भी कलाकार हो, ऐसी मिथ्या बातें बिल्कुल ठीक नहीं। जो चीज़ें परिवार में जन्म जन्म तार तर से पीढ़ियों से आ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिवार के बच्चे, लड़के ही नहीं लड़कियां भी, उनकी बेटों की बहुआ भी, हमारे सातों परिवार के जो सातों सबद कहने का सदस्य हैं, सब इस कार्यकाल की बारीकी को और वास्तविकता को जानते हैं। तो ये आपके सामने मैं मेरी कला के बारे में कुछ बता रहा था। अब मैं आपको ये बताऊं ये कला को हम किया कैसे करते। देखिए, अगर हमें कोई कलाकृति बनानी है, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो डेकोरेशन का आइटम हो, उसका हम ड्राइंग शीट के ऊपर पेंसिल से डिजाइन बना लेते हैं, रूल पेंसिल डिजाइन बना के हम उसको परफेक्ट पोजीशन में ले आते हैं कि क्या ये डिजाइन अच्छा रहेगा। अगर वो हमको जचता है तो ये मान के चलिए, इस बारे में एक कहावत है, अगर कोई चीज आपने बनाई, कोई कलाकृति आपने बनाई, अगर वो आपकी आँख को ही अच्छी लग गई, तो मान के चलिए कि दुनिया की आँख को भी वो अच्छी लगेगी। तो वो ये प्रभु की गिफ्ट है, ये किसी का ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये प्रभु ने अपने आप ही कलाकार को बुद्धि दी है, तो वो जो चीज़ बना रहा है वो अपने दिमाग को एकाग्र करके बना रहा है, उसके दिमाग में विधाता बैठती है, उसके हाथ में सरस्वती बैठती है, उसके हाथ में विश्वकर्मा बैठता है, जब वो एक कलाकृति जन्म देता है, उसका दिमाग उसका सोच इधर उधर नहीं होता है, सिर्फ जब उस कलाकृति के जब वो जन्म दे रहा है, उस कलाकृति को बना रहा है, सिर्फ उस कलाकृति के बारे में उसको किस अच्छे कलाकार का रूप में दे करके एक अच्छी श्रेष्ठ श्रेणी की कलाकार की कलाकृति बन करके आवे। अब यहाँ मैं चल रहा था, मैं भटक गया थोड़ा सा, क्षमा चाहता हूँ। ड्राइंग बनाने के बाद में हम उस कृति को लकड़ी के ऊपर उतारते हैं। लकड़ी को उतारने के बाद में साधारण लकड़ी नहीं होती, वो शीशम की लकड़ी, या उसके बाद में हम इसकी ब्राउन्स की शेप का आइटम बनाते, ब्राउन्स में एक आइटम बनाते हैं उसी शेप का जो चीज़ की हमें कृति बनानी है। कभी कभी हम ब्रास का भी बना लेते हैं और कॉपर का भी बना लेते हैं, और फिर उसके ऊपर रख करके, उसको सामने रख करके हम सोने अथवा चांदी में अपनी कलाकृति को बनाते हैं। ये आपके सामने आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़, मैं ये आपको बता दूं, ये गुलदस्ता है, ये आपके पारिवारिक समारोह में देवी देवताओं के पूजन के सामने रखने के लिए, आपके ऑफिस की डेकोरेशन के लिए, आपके ड्राइंग रूम की डेकोरेशन के लिए, आपके म्यूजियम के अंदर रखने के लिए, कहने का मतलब ये मल्टीव्यू है। इसके ऊपर मैंने, अधिकतर आप लोगों ने टेरेमिनी की, चीनी मिट्टी क्ले की अथवा टेराकोटा की या ब्रास की ऐसे आइटम देखे होंगे। ये आइटम मैंने चांदी में बनाया है। अब सोने के लिए तो इतनी मेरी श्रद्धा नहीं है, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे कलाकारी हूँ और मुझे कला करनी है, तो मैं एक छोटे से नेकलेस या अंगूठी पे अगर कला करना चाहूँगा तो उसमें एक सीमित दायरे में मैं कला कर पाता हूँ। इसलिए मैं ऐसे डेकोरेटिव आइटमों पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। ये आपके सामने देखिए, अगर आप गौर से फरमा में ये कलाकृति के ऊपर आगे देखिए, ये मेरा औजार है, इसको मैं सलाई बोलता हूँ, इसको मैंने ऐसे रख करके और इसके अंदर ये ड्राइंग कर करके पहले ड्राइंग किया,
और फिर ड्राइंग कर करके इसमें सभी औजारों से मैंने इसके ऊपर खुदाई का काम, अंग्रेजी में इसको इंग्रेविंग किया। अगर आप देखें इसकी बारीकी, ये आप जरा देखिए इसकी बारीकी को करने में तो मुझे कितना टाइम लगा। और थोड़ा सा उसको आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ लाइए, आगे की तरफ, हाँ और आगे लाइए, और आगे लाइए। जी 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 आप, जी जी अब आ रहा है, अब आप जी ठीक है। अब आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर जो ब्लॉक बने हुए हैं, इसको हम घर कहते हैं या तोखे, तोखे कहते हैं हमारी उर्दू भाषा या फारसी भाषा में। तो ये आप देखेंगे इसके अंदर जो कला करती है पूरा ज्योमेट्रिकल तरीके से बनाई गई है और एक शेप में बनाई भी है, चाहे वो पक्षी बने हुए हों, चाहे फूल बने हुए हों, चाहे उसके अंदर पत्तियां बनी हुई हों या अन्य और कोई प्राकृतिक चीज़ों का इसमें समावेश हो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के मूल रूप से जो कृति बन सकती है उसको बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कलाकार प्रकृति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कलाकार बनने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई फूल बना रहा हूँ तो फूल किस चीज़ का है, उस फूल का प्रकृति ने क्या मूल रूप दिया है, तो मुझे मेरी मीनाकारी के काम करने के लिए उसी ही स्वरूप के अंदर, उसी ही शेप के अंदर उसको बनाना है। ऐसे ही अगर कोई पक्षी चिड़िया तोता मोर आदि का मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो देखने के अंदर ऐसा लगे हाँ ये वाकई में तोता बना हुआ है, हाँ ये वाकई में कबूतर बना हुआ है, हाँ ये वाकई में चिड़िया बनी हुई है। ये है कहने का मेरा मतलब ये, अगर मैं कोई जानवर बना रहा हूँ, जानवर से मेरा मतलब है शेर, मगरमच्छ, मछली, हिरन, बतख, ऐसे आइटम अगर मैं डिजाइन में बना रहा हूँ तो उसके अंदर भी मुझे अपने उसके वास्तविक रूप को ध्यान में रखना पड़ता है। कलाकार को प्रकृति से भी साक्षात्कार करनी पड़ती है, साथ साथ मीन खुदाई के काम करने के बाद में जब हम हमारे मीनाकारी के कर्म, मीनाकारी के कलर अंग्रेजी में कहते हैं, हम हमारी भाषा के अंदर उनको रंग के इस तरीके के ये टॉक शेप में होते हैं। इसके हम एक छोटी सी यहाँ पॉइंट पॉइंट आउट करते हैं कि कलर की ट्रांसपेरेंसी, कलर की गहराई, थोड़ा सा उसको आगे लाइए, थोड़ा सा आगे लाइए उसको, कलर कलर हाँ। जो है रंग, है रंग जो है वो कितना हल्का है, कितना भारी है, किस डिजाइन के ऊपर, भारी से मतलब गहरा है, तो वो हमको किस डिज़ाइन के ऊपर करने से उसकी वास्तविक कलर के रूप में हम उसको बना सकते हैं। साथ ही हमें इस विशेष प्रकार का साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत हाइजीनिक तरीके से हमको हमारे कलर्स को तैयार करना पड़ते हैं, चाहे खुदाई करने का काम हो, चाहे मीनाकारी के कलर करने का काम हो, बहुत ही साफ सुथरा हाइजीनिक जिसको कह सकते उस पे करना पड़ता है। मीनाकारी की कला प्रदूषण, किसी प्रकार का इसमें प्रदूषण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि इस कला को जीवित रखने के लिए मैं ये कह सकता हूँ हम जयपुर वासियों का बहुत बड़ा अथक सहयोग है। हाँ मैं पहले भी बता चुका था, मैं ही नहीं, मेरे यहाँ जयपुर के अंदर करीबन 500 परिवार जहाँ तक मेरी समझ में आए तो इस काम को कर रहे हैं, हो सकता है 1000 भी कर रहे होंगे, छोटे बड़े सब मिला करके काम कर रहे हैं, स्वतंत्र काम कर रहे हैं। अब वर्तमान में कोरोना COVID-19 में तो व्यवस्था जैसी है सब आप लोगों को समझ में आती है, लेकिन मैं तो अभी भी मेरी इस प्रकार की कलाकृतियों को तैयार कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने आपको रंग बताया था, ये कलर जो बताया था, इस कलर को हम पीसते हैं, पाउडर बना लेते हैं और पाउडर बना करके इसको हम, ये जो डिज़ाइन है
उसके अंदर जो कलर को लिया और यहाँ इसमें ये भरते हैं, जैसे ये चल रहा है काम, ये काम भर रहा है तो ये रंग भरते हैं और इसको सीधा भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी से मतलब जो कोयले की भट्टी, अभी कुछ लोगों ने तो उसको चांदी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक भट्टियाँ भी काम में ले ली हैं, लेकिन 99% जो पुरानी कला के जो देसी मीनाकारी, यहाँ भी मैं एक स्पष्ट कर दूँ, मीनाकारी के रंग दो प्रकार के होते हैं, काम मीनाकारी के दो प्रकार के होते हैं, देसी मीनाकारी और विलायती मीनाकारी। केवल जयपुर आज की तारीख में एक ऐसा शहर है जहाँ देसी मीनाकारी के कुछ कलाकार हमारे परिवार जैसे हैं वो काम करते हैं। देसी मीनाकारी के जो कलर हजार साल बाद में भी अपनी आभा को नहीं छोड़ते हैं, जबकि विलायती मीनाकारी के कलर में कुछ समय के बाद में थोड़ा चमक दमक के अंदर अंतर आ जाता है। इनको रेस्टोरेशन करने का कोई तरीका नहीं है, इनको बनाने में जो देसी मीनाकारी के जो कलर हैं वो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये इतिहास के अंदर दर्ज है, मीनाकारी के इतिहास में, ये देसी मीनाकारी के रंग जैम स्टोन से शुद्ध रत्नों के से बनते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर लाल रंग है तो रूबी से बन रहा है, हरा रंग है तो पन्ने से बन रहा है, ब्लू रंग है, नीला रंग है तो वो नीलम से बन रहा है, सफेद रंग बन रहा है तो वो मोती से बन रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये कलर नेचुरल कलर होते हैं, जबकि विलायती मीनाकारी के कलर केमिकलाई तरीके से बनाए जाते हैं। ये मीनाकारी के कलर आजकल ज़्यादा प्रचलन में हैं, अधिकतर लोग इस काम को करते हैं, इसके काम को करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि देसी मीनाकारी के काम को करने के अंदर अथक प्रयास करना पड़ता है। चूके और चौहान एक कहावत है कि चूक गए तो आप चौहान बन गए, नहीं, आपको उसके ऊपर अपने आप को पूरा पूरा केंद्रित करना पड़ता है। अब आता है इसके बाद में आभूषण कैसे बनते हैं, तरीका बनाने का वही है, कुंदन का काम शुरू होगा, कुंदन के काम की जहाँ तक मेरा सवाल है, कुंदन के काम में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर कुंदन क्या थी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में उन आभूषणों को हम सजाते हैं। सजाने से मतलब है सजाते हैं, सजाने से मेरा मतलब है कि उसके अंदर मोतियों से क्षमा करना, सबसे पहले उसमें कुंदन का काम किया जाता है। कुंदन क्या थी, कुंदन शुद्ध सोने का एक पत्रानुमा टिश्यू पेपर की मोटाई का होता है और वो बहुत ही हाइजेनिक तरीके से वर्ष की तरह से कूट कूट करके बनाया जाता है। अगर उसमें शुद्धता नहीं होगी, उसमें किसी प्रकार की चीज की गारंटी का ठोकर किसी प्रकार की लापरवाही करी जाएगी तो वो कुंदन की जड़ाई काम नहीं हो सकती। जो अगर आपने देखा होगा कभी किसी कुंदन मीने का काम को, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसके बीच के अंदर कुछ हम लोग जो है हीरा मानक पन्ना कुकराज आदि अपने नवरत्न भी जिनको कह सकते हो, जैसे हीरा है, मानक है, गोमेद है, लक्षणिया है, ये सब चीजें हम लोग उसमें जड़ाई का काम कहलाता है, ये जड़ाई का काम अंग्रेजी में इसको स्टडिंग कहलाता है। स्टडिंग की अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन अब कहने के लिए वो ही है, फिर भी चलो आम पब्लिक को समझ में आ जाए, आजकल के लोगों को देशी भाषा समझ में नहीं आती, जो वो आजकल के देशी भाषा के बजाय वो अपनी भाषा को जो समझ में आती है अंग्रेजी भाषा को करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि
ये अगर आप देखिए, जैसे ये एक नेकलेस है, ये नेकलेस अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें जो व्हाइट व्हाइट चमकदार जो स्टोन नजर आ रहे हैं, देखें आप व्हाइट व्हाइट जो चमकदार स्टोन नजर आ रहे हैं, नगीने जिसको बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, हम अंग्रेजी में स्टोन बोलते हैं, ये डायमंड है, डायमंड ओरिजिनल डायमंड। और इसके बाहर पीले कलर की एक लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन सोने की वो जो शीट मैंने जो आपको बताई थी उसको यहाँ इसके ऊपर सलाई से सेट किया हुआ, पैच किया हुआ है, कोई ग्लू से नहीं, कुदरती तरीके से किया जाता है, मेहनत करी जाती है इसके लिए, तकनीक होती है इसकी कला करने की, ये कुंदन का काम कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये देखिए ये जो कुंदन मीने की जो आभूषण ज्वेलरी है ये हम लोग दोनों तरफ से पहन सकते हैं। देखिए एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये नेकलेस है, ये एक तरफ से मीनाकारी हुई भी है इसके अंदर, ये शुद्ध देसी मीनाकारी का काम है, एक तरफ ये इसके अंदर कुंदन का काम हुआ है, बहुत सारे आभूषण। इसके अलावा दो पतरे के, जिसको हमारी भाषा के अंदर हम दो पोस्ता बोलते हैं, यानी उसके ऊपर दोनों तरफ मीनाकारी का काम और कुंदन का काम होता है, केवल कुंदन का काम एक तरफ होता है लेकिन मीनाकारी का काम दोनों एक साथ क्या होता है। कहने का मतलब ये है कुंदन और मीनाकारी में बहुत से लोगों को अंतर नहीं होता पता कि कुंदन क्या चीज़ है, मीनाकारी क्या चीज़ है। ये एक पूरा जो इस नाम कला का जो पूरा एक डेफिनेशन है, एक नाम है, वो कुंदन मीनाकारी आर्ट। मैं आपको बताया था सजाने के बारे में, ये देखिए यहाँ आप ये देख रहे हैं ये मोती लग रहे हैं, पहले आज के 200 साल पूर्व तक बसरे का मोती खूब आता था, वो मेरा जहाँ तक मानता हूँ प्लेटिनियम से भी ज़्यादा महंगा है, अब मिलता ही नहीं, अब वो अफगानी मोती हुआ करता जहाँ तक मेरे को थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में है, और वो मोती इतना बढ़िया होता था, इतना शानदार होता था, आबदार होता था। अब उसके बाद में अब हम लोग जो है आम तौर से जो ओरिजिनल मोती जो है नेचुरल कल्चर, ये मोती ज़्यादा चलन में आ गए हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए आजकल फ्रेश वाटर पर्ल भी काम में लेने लग गए हैं, ये अपना अपना सोच है, लेकिन जो आवा जो नेचुरलिटी में है वो बनावटी बनेंगे नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा इस मामले के अंदर। कहने का मतलब ये है अगर देसी मीनाकारी कोई कर रहा है, और देसी मीनाकारी का मतलब है कि जो आभूषण जो कलाकृति उसने बनाई है वो शुद्ध सोने की ही है, इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि इसमें शुद्ध सोना नहीं है, बस शर्त उस देसी मीनाकारी का काम हो, इतना मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। विलायती मीनाकारी शुद्ध सोने पे भी होती है, आप लोगों ने देखा होगा 22 कैरेट की ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, 22 कैरेट की ज्वेलरी के अंदर अगर कोई कहता है ये मीनाकारी है, मैं मानता हूँ, अगर कोई ये कह करके गुमराह करना चाहे कि देसी मीनाकारी है तो मैं उस आदमी को खुली चुनौती देता हूँ कि वो प्रमाणित कर रहे, नहीं तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि ये देसी मीनाकारी नहीं है। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ, जो कि परंपरागत ज्वेलरी के अंदर परंपरागत आभूषण के अंदर आती है। ये देखिए ये आपके सामने मैं कढ़ाई की जोड़ी पेश कर रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा आगे लाइए, थोड़ा आगे लाइए, आगे लाइए और आगे लाइए।
नहीं, थोड़ा पीछे ले जाइए, थोड़ा पीछे ले जाइए, अपने साइड ले जाइए। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा सा रुक जाइए जी, अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए ये सोने का बना हुआ है, इधर इसके ऊपर कुंदन का काम हुआ हुआ है, आप देखिए ये इसके ऊपर हेड वाली बनती है। इस पे जैसे आप देखिए, इस पे हाथी का चेहरा, ये देखिए मैं थोड़ा ऐसा भी करके दिखा देता हूँ, ये हाथी का चेहरा बना हुआ है। ये हमको क्या दिखाता है, फ्रेंडशिप। इन दोनों ने अपनी दोनों फोन मिला रखी है, इसका मतलब ये है कि दे आर हैप्पी, ये हमें फ्रेंडशिप का संदेश देते हैं। ये इसी तरीके से हम मोर की जोड़ी फेस वाली भी बनाते हैं, मगर के फेस वाली भी बनाते हैं, तोते की फेस वाली भी बनाते हैं, कभी कभी शेर के फेस वाली भी ऐसी कलाकारी की कड़ा जोड़ियाँ बनती हैं। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर ये जो बीच का हिस्सा है, इसमें भी मीनाकारी हुई है, जरा इसकी बारीकी देखें, ये कोई मशीन से नहीं, ये जो सिलाई दिखा रहा हूँ सिलाई से करीब है। आंखें ठहर जाती है, आंखें पतराह जाती हैं। ये वही लोग काम कर सकते जिनका मन एक आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वही इस काम को कर सकते। और जो लोग इसको शौकिया तौर से कर रखे कुछ सिर्फ कर बन सकते, लेकिन एक ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकते। अपने आप को इस कला के प्रति पूरा समर्पित करेंगे, तभी आप एक राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की अपनी कलाकृतियों को जन्म दे सकेंगे। मैं इसी में आपने कुछ और नमूना पेश करना चाह रहा हूँ जो मीनाकारी के। हाँ देखिए आप, ये किसी म्यूजियम में जा चुका है, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है। एक गिलास, छह गिलास का सेट बना था, कुंदन मीनाकारी का काम है। इसी तरीके से ये जो मैं कलाकृति, तलवार की पूरी मीनाकारी की बनी हुई है, लेकिन फोटो मेरे पास में सिर्फ उसके ऊपर की मूर्ति है, ये मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा बनाई हुई। आप देखिए और मीनाकारी, मैंने अभी आप लोगों के सामने गुलदस्ता पेश किया था चांदी का, ये आप देखिए कि ये सोने कुंदन मीने का गुलदस्ता बना हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मेरे सोने के इतने भाव है कि मैं नहीं बना सकता, पर काम तो कर सकता हूँ उसके ऊपर। तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने चांदी को ढूंढ लिया और चांदी पे मैं काम। वैसे मैं एक चीज आया और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मीनाकारी आजकल तीन चार तरीके की कुछ और ज्यादा होने लगी है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है वो सोने पर मीनाकारी ही फेमस है। कुछ समय के ऊपर चांदी के ऊपर भी मीनाकारी का काम हुआ है और अब भी होता है। जो कलर चांदी के ऊपर हो सकते हैं वो सोने पर नहीं हो सकते हैं। दोनों के कलर मीने के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों, खास तौर से मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चांदी के ऊपर और सभी रंगों को किया जाना संभव है, जबकि सॉरी मैं क्षमा करना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोने के ऊपर लाल रंग किया जाना उसके साथ साथ अन्य कलर किया जाना बिल्कुल संभव है, लेकिन चांदी पर लाल रंग नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग अपनी शाबाशी लूटने के लिए कुछ ऐसे तकनीक
को अपना रहे हैं जो वास्तविक मीनाकारी से हटकर है। चांदी के ऊपर लाल मीनाकारी का अभी इजाद नहीं हुआ है। यहाँ मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, मीनाकारी सोने मुख चांदी दूसरे नंबर पर, कुछ लोग बात अब तांबे पे भी करते हैं, लेकिन वो कलाकारी नहीं होती है, आंसू पूछने वाली बात होती है, किसान मीनाकारी हो गई। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना। इसके अलावा आजकल की आधुनिक मीनाकारी जर्मन सिल्वर पर भी होने लगी है, लेकिन वो एक अवसरवादी मीनाकारी है, उसकी कोई महीने की कोई छः महीने की कोई पता नहीं है वो कलाकृति कितने दिन सुरक्षित रह पाएगी, या उसके कलर की या उसके मेटल की जो आवा है वो कितने समय तक रह पाएगी। लेकिन उसके ऊपर जो वास्तविक मीने के कलर हैं वो नहीं होते हैं, आधुनिक प्लास्टिक के कलर काम में लिए जाते हैं, देखने के अंदर वो कलर वो रंग की आवा बहुत अच्छी और चमकदार होती है, जिसको अगर हम कह सकते हैं चाइनीज मीनाकारी। यहाँ मैं अब चाइनीज की बात आई तो यहाँ बता देता हूँ, हिंदुस्तान के बारे में तो मैंने पूर्व में आप लोगों को बताई दी मीनाकारी कहाँ कहाँ होती है, मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कोरिया चाइना जापान और अमेरिका में भी और हांगकांग में भी, सॉरी मैं भी हांगकांग में तो मैं देख के ही आया, वहाँ की यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को सिखाने के लिए मुझे वहाँ की सरकार ने बुलाया भी था, वहाँ जाके काम सिखा के भी आया मीनाकारी का। वेल तो वहाँ वो लोग तांबे पे भी करते हैं, और वो जो मीनाकारी है वो हाथ की मीनाकारी नहीं करते हैं, जो हमारे भारत की वंश परंपरागत मीनाकारी है वो लोग नहीं करते हैं। उन्होंने कई बार अनेकों अवसर पर आए, हिंदुस्तान में रहे सालों रहे महीनों सालों रहे, कलाकारी को करने की सीखने की बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं कर सके। वो लोग जो मीनाकारी करते हैं तो ख्वाहिश इन्हें की मीनाकारी करते हैं, ख्वाहिश इन्हें। अब ख्वाहिश इन्हें क्या होता है, ये विस्तृत विचार का समय है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कलाकृतियाँ जो भी बनानी होती हैं वो बनाई जाती हैं, और उसके ऊपर ग्लू से, विशेष प्रकार के ग्लू से तार लगाया जाता है, वो डिज़ाइन बनाया जाता है उस हिस्से के अंदर मशीन से, वो लोग अपने जो, लेकिन उतनी बारीक नहीं होती, वो कुछ वो अपने स्क्रैच कर लेते हैं, फ्रैक्चर बना लेते हैं, और उसके ऊपर वो अपने जो तरीके के कलर है, हमारे जो राजस्थानी जो देसी कलर है, जयपुर के कलर है, वो नहीं, उनके अपने ही अलग कलर है, वो कलर वो करते हैं। हाँ अच्छे होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन बहुत अच्छी मीनाकारी करने वाले अनेक शिल्पकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी मीनाकारी होती है, और अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त शिल्पकार वहाँ पे इस कला को करने वाले हुए हैं। अब मैं अभी आपको जो मेरे को बताना चाहूँगा, मैं आपको ये आप देखिए, मेरे एक मित्र मेरे साथी का बनाया हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये देखिए मीनाकारी का बर्ड क्या है, बताइए इस पक्षी को आप क्या बोलेंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत रंगों को इन्होंने बनाया है, और इसके इसका पक्षी का नाम जो है चिड़िया है, चिड़िया कबूतर चिड़िया जैसी है ये। अब मैं इसके अलग हटके आपको बता देता हूँ, जो परंपरागत मीनाकारी का काम है वो ये देखिए, ये है मीनाकारी, देखिए ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए ये मात्र सितार नहीं, आप इसका शेप देखिए, क्या ये मात्र सितार नजर आती है आपको,
मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए ये पीछे पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये सितार नजर आते? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कारीगर ने जो मैंने बनाई है आप उसको अपनी शुभकामना दीजिए, साधुवाद दीजिए, क्यों कि कला करती वही कला करती जो अपने आप में देखने वाले ये महसूस करा दे, ये बहुत ही उसके अंदर क्या कला की कृतिका आकृति हो या उस कला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, क्या बात, कलाकृति के ऊपर की आवाज, आर्ट वर्क है तो कलाकारी है, वो आपको बता दे कि ये फूल बना हुआ है, ये पत्ते बने हुए हैं, ये कोई पक्षी बना हुआ है, वास्तव में आप उसको उस रूप में देख सकें। ये मात्र सितार नहीं है, डेकोरेशन भी नहीं, तो हम अपने यूज भी ले सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा पे, आपके यूज में लेना चाहिए मल्टी यूज के आइटम में, और इसको यूज भी कर सकते हैं। मैंने ये पूरा तबला सितार का सेट बनाया है, ये देखिए लेफ्ट राइट के तबले, ये देखिए देखिए, कला को देखिए आप, कला की कलकृति देखिए कि क्या वास्तव में ये तबला ही है, क्या इसके ऊपर जो कलर काम किए हैं खूबसूरत लग रहे हैं, ये आप देखें, और ये मात्र तबला ही नहीं है, इसको हम यूज भी कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर गहराई में भी मीनाकारी करी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं और आप इसको ऐसे पैक भी कर सकते हैं ऐसे ही, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको जितना दिखाऊं उतना ही कम है, यहाँ आप ये देखिए एक चीज़ में और मेरा भी मन कर गया आपको दिखाने का, तो मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे को जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो इतने सम्मान से मिलते हैं, आप देखिए इस पुरस्कार को मुझे महामहिम आदरणीय प्रणब मुखर्जी प्रदान कर रहे हैं, तस्वीर मिलता है, और उसके अंदर हमारे वित्त मंत्रालय के मंत्री महोदय, राज्य मंत्री महोदय सब मौजूद हैं, और हमारे डायरेक्टर डेवलपमेंट कमिश्नर भी इसमें मौजूद हैं। देखिए ये एक कलाकार पैसे का भूखा नहीं होता है, कलाकार की कला को आप पैसे से नहीं तोड़ सकते हैं। अगर कोई आदमी ये खरीदार सोचता है इतने ग्राम इसमें सोना लगा है, इतने ग्राम इसमें चांदी लगी है और इसमें इतनी कीमत है, अरे उसको ये पूछो कितने दिमाग से कितनी मेहनत से उस कलाकृति को उसने जन्म दिया है, कितनी अथक प्रयास कर करके बनाया है, कोई मशीन काम में नहीं जाती इसके अंदर, सब हाथ की कलाकारी है। कहने का मतलब ये है कलाकार की कला जो हमारे खास तौर से लोग आगे सोचते हैं कि इसका वजन देखो कितना है साहब, इसमें फलाना कितना है, इसमें ढिमका कितना है, वो कलाकार की अपमानित करने वाली बात है, कलाकार को तो प्रोत्साहित करिए कि आप, अरे आपने इसके लिए एक लाख क्या मांगे, मैं आपको 1,25,000 देता हूँ, कलाकार की हौसला हो जाएगी, आप कला को कलाकार कला को ऐसे से मत तोड़िए। देखिए आप, मैं तो एक चीज़ में देखिए, मैं ये डिब्बी दिखा रहा हूँ, उसको पेड़ बॉक्स बोलते हैं, ऐसी सोने भी बना करती है, आप इस कला का देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाँ मैं थोड़ी सी एक इस पैसे वाली जो बात आई उसको मेरे मन की बात कह रहा हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ। आप एक सब्जी वाले के पास जाइए,
वो गली लेकर के या टुकड़ा लेकर के बैठा है, चाहे फुटपाथ पे बैठा हो चाहे ठेला लगा के बैठा है। आप उसको कहिए वो कहता था 100 रुपये के भाव है, आप उसे कह के देख लीजिए तो 90 दे दे या 80 दे दे या 90 दे दे, तो क्या जवाब आता है। एक कलाकार कलाकार की आप भावताव करें तो उस कलाकार की उसकी कला की अपमान समझता हूँ, उसको प्रोत्साहित करता हूँ। क्यों? तो वो स्वदेशी को अपनाए हुए, वो स्वदेशी परंपरा को अपनाए। जैसे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान दारा है विदेशी पंथ, देश पंथ, देश का हस्तशिल्प पंथ, देश का हर भी पंथ। तो स्वदेशी के नारे के तहत मैं जो कहना चाहूँगा, जितना बड़ा योगदान चाहे मेरी कला का हो या और किसी अन्य कला के क्षेत्र के कलाकार का जो योगदान रहेगा, वो शायद और किसी का नहीं रहेगा। ये कलाकार ही एक ऐसी जमात है जो आज के इस मशीनी आधुनिकीकरण के बावजूद भी अपनी परंपरागत कला को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और उसको जीवित रखने में भी प्रयास करके सफल हो रहे हैं। कुछ अवसरों पे भारत सरकार, राज्य सरकार अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इस मामले के अंदर मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि इस विषय को एक गंभीरता से लेवें, हम लोगों को बुलावें, हम लोगों से विचार करें कि क्या क्या कठिनाई है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप हर एक लोग के लिए अपनी तरफ से आर्थिक योजनाएं दे, शिल्पकार के पास में ना कोई इनकम टैक्स होता का साधन है, ना कोई GST का साधन है, और बैंक से लोन लेने जाओ चाहे मुद्रा लोन लेने जाओ चाहे और MSMI के जो लोन है ये लेने जाओ, तो इतनी उसकी तकनीकी सिस्टम है कि एक शिल्पकार को लोन नहीं दे पाता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार के लिए संभव है तो वो ऐसी नीति अपनावे इस समय पे सरकार के पब्लिक शो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ, मेले, प्रदर्शनियों सब स्थगित हुई हैं, उनके पेटे में उस मद में जो पैसा अब लगभग लैप्स होने वाला है, वो पैसा शिल्पकारों को एक योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता के रूप में लिया जाए, चाहे सरकार को लेना चाहती है तो कर दिया जाए, उसकी एक तरफ अपनी तरफ से एक बड़ी योजना बनावे, जो आज हम जो शिल्पकार ऐसे हैं अपनी परंपरागत कला को छोड़ करके दूसरी तरफ रोटी रोजी के लिए जाने को मजबूर हो रहे हैं। अनेकों कलाकार, अनेकों क्षेत्र के क्राफ्टमैन ऐसे हैं कि जिनके सामने इस COVID-19 में रोटी रोजी का सवाल पैदा हो गया है। मैं जैसे हूँ, मैं तो इतना सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, चलो मेरे पास तो इतना साधन हो भी सकता है कि मैं नहीं कुछ कमा पाऊँ, जब तक मेरे करने की हिम्मत है मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी तो एक लगती में मेरे साल भर की कमाई मिल जाएगी अगर मेरा अच्छा खरीदार आ जाएगा। लेकिन ये भी जब है हिंदुस्तान में जितने कलाकारों के कदरदान हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, फिर भी हम लोग हर एक कलाकार ये आज करते हैं कि विदेशी मेहमान आए, विदेशी मेहमान से हमें अच्छा सुविधाजनक सम्मान मिलता है। ऐसी स्थितियों का जब समाधान नहीं होगा तो सरकारी महिला, मेरा कहने का मतलब ये है इस सबसे गरीब स्थिति के अंदर जो शिल्पकार हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत। एक तरफ तो वे कहते हैं परंपरागत कला को, परंपरा को जीवित रखो, एक तरफ जो वर्तमान में लोग लगे हुए हैं जो शिल्पकार लगे हुए हैं उनकी खैर खबर ही नहीं ले रहे हैं। तो नई जनरेशन ये देखती है हमारे बाप दादा ही भूखे मर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इधर जा करके, वो चाहे छोटी मोटी नौकरी के लिए भागेंगे। इस स्थिति को थामना पड़ेगा
अगर हम इन कलाकारों को संरक्षण नहीं देंगे, अगर हम इन कलाओं को संरक्षण नहीं देंगे, तो आप ये मान के चलिए आने वाले 50 साल के अंदर जो परंपरागत कला नाम का अध्याय है वो शायद लुप्त हो जाएगा। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हम लोगों ने जो 15-15, 20-20 पीढ़ी से कलाओं को जीवित करता है, जो ख्यातियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को प्राप्त हुई, वो हमारी आने वाली जनरेशन आगे ले जा पाएगी, शायद नहीं ले जा पाएगी आज की वर्तमान स्थिति के अंदर। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, इस विषय के ऊपर आप सक्षम अधिकारियों तक ऐसी प्रार्थना को हमारी को पहुँचाइए। मैं मानता हूँ कि मेरी इस प्रार्थना के ऊपर मेरे और अन्य शिल्पकार, दूसरे चाहे मेरे मीनाकारी के क्राफ्टमैन हो चाहे और दूसरे शिल्प के क्राफ्टमैन हो, वो सहमत होंगे। हाँ, मैंने मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है, कम से कम 100 NGO ऑनलाइन मार्केटिंग वालों से मैं संपर्क में आता हूँ, वो कोई ना कोई बेचता है। आपका आइटम हम बेचना चाहते हैं, आपका सामान हम बेचना चाहते हैं, आपका सामान हम बेचना चाहते हैं, आप फोटोग्राफ भेजिए। वो हमसे कट गए हैं और वो तुरंत जुड़ जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि जो इंदर सिंह कुंदन जी हैं वो सच में कुंदन हैं, वो फिर जुड़ चुके हैं, तो मैं इस बोलूं इससे पहले मैं उनको ले आता हूं। जी आप बोले। जी बोलिए। बोलिए बोलिए आप बोलिए। सरकार कहती है परंपराओं को बढ़ाओ, शिल्प को देसी को भी जिंदा रखो, विदेशी को आ रहा है, आ रहा है लाइट, आ रहा है आप। वो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है आने में, लेकिन वो आ जाएंगे। अपनी बातें उन्होंने कह दी है, हमारी इच्छा है कि वो, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कुंदन साहब ने, जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इन्होंने अपने बच्चों को तो सिखाया ही है, अपने ग्रैंड सन्स को भी सिखाया है, वो फिर आ गए हैं, मैं उनको ले आता हूँ। जी देखिए। जी आप बोलिए। देखिए ये हुक्का मेरे हाथ का बनाया हुआ है, मीनाकारी का हुक्का, कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने तो कला को जीवित रख लिया, अब भाई संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण कैसे मिलेगा, ये देखिए, ये भी मेरे हाथ से बनाई हुई है, ऐसी मेरे बेटे ने भी बनाई, जिसके ऊपर उसको पुरस्कार मिला भारत सरकार। मेरे पिताजी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर की कटिंग, ये उनको ऊपर पूरा पेज लिखा है, और इनको भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। यहाँ मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि मीनाकारी के काम के लिए अगर किसी को पद्मश्री मिली है तो वो मेरे पिता
सरदार कुदरत सिंह जी को ही मिली है। अभी देखिए तो हम लोगों ने परंपरागत कला को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां उसको जाना चाहिए था। यहाँ मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए आप, ये फोटो आप देखे, ये फोटो आप देखे, मेरे पिताजी को भारत सरकार राष्ट्रपति वेंकट रमन पद्मश्री से सम्मानित कर रहे हैं। अभी मैं लगभग सब कुछ बता चुका हूँ। किसी को मेरे से अगर कोई सवाल जवाब पूछना हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। कृपया अपना सवाल जवाब दीजिए। ये थे आदरणीय, आप थे जी 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 आप, और आप थे, आपका ऑडियंस मुझे जी जी आप है इंदर सिंह कुंदन जी, जैसा नाम है कुंदन वैसे ही कुंदन है, और इन्होंने कुदरत, इंदर सिंह कुदरत, कुदरत कुदरत और कुदरत जो कुंदन की कला करते हैं 64 कैरेट सोने की तरह करते हैं, और आपने जो कला के बारे में विस्तार से बताया, आपने इतिहास बताया, आपने अपने पुरखों के बारे में जानकारी दी, आपने पिताजी के बारे में जानकारी दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये बताया कि किस तरह से यह कला आज भी आप जीवित रखे हुए हैं। आपने अपने बेटों को, आपने अपने पोतों को, सबको इसमें जोड़ा है। आपके कला को सभी वाह कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं बहुत सही बात है, कोई कह रहे हैं कि अगर सरकार ने जो आपका जो लास्ट में जो आपने ध्यान आकर्षित किया है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि कई कलाएं तो विलुप्त हो गई है, और सरकार का यह काम होता है कि हम उन कलाओं के बारे में जाने और उन कलाकारों को उन कला की रक्षा करें। आपने सही कहा है, जो तो उनको कोई कार्ड नहीं मिलता, उनको लोन नहीं मिलता, उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती। अभी मेरे जहन में एक आपने इतना खूबसूरत विचार दिया है कि सरकार जो इतना एग्जीबिशन वगैरह करती थी वो पैसा बचा हुआ है, उन पैसों को जो जो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है अगर वो कलाकारों को दे दिया जाए तो कलाकार अपने कला के प्रति चिपके रहेंगे, वो मरेंगे नहीं, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, वो कला से विमुख नहीं होंगे। इस तरह की बातें जो आपने की है वो बहुत ही खूबसूरत बातें की है। बहुत सारे लोग आपकी कला की प्रशंसा कर रहे हैं, एक प्रेरणा जी हैं वो कर रही है अनमोल कलाकृति, चांद सिंह जी कह रहे हैं एक्सेलेंट वर्क इन मीनाकारी, क्लैपिंग फॉर द क्राफ्ट पर्सन। आप क्राफ्ट पर्सन नहीं है, आप कला गुरु हैं, क्राफ्ट छोटा वर्ड है आपके लिए, आप शुक्रिया, शुक्रिया। आप कलाकार हैं, और आप तो अपने हाथों से ब्रह्मा का निर्माण करते हैं, भगवान का निर्माण करते हैं, तो आपको क्राफ्ट पर्सन भी कहना छोटी बात है। क्राफ्ट पर्सन तो वो होते हैं जो नकल कर लेते हैं, आप तो उससे बहुत ऊपर हैं। और बहुत सारे लोग आपका प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि चूंकि आपने पूरे परिवार को इसमें इंगेज किया है, अगर आपके बच्चे, आपके ग्रैंडसन, आपकी बहुएं आपके साथ हैं, तो एक बार आप लोग सब इकट्ठे आ जाइए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये परिवार है, तो आप आ जाए और उसके बाद फिर हम कुछ बात करें। हमें 2 मिनट लगेंगे सर। जी जी कोई बात नहीं, तब तक आप तब तक वो तैयार हो रहे हैं, और अगर इस बीच में अगर आपके पास कुछ और आइटम है जिसको आप दिखाना चाहते, क्योंकि आपको आपके कलाकृति को देख के आंख भर ही नहीं रहे, हृदय लग रहा है, लोभ आ रहा है, लोभ आ रहा है कि और देखे और देखे और देखे। ये जो आपके कला का जो 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 जादू है, आपके कला की जो जादू है, जादूगरी जो है वो कमाल की। ये जो आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जी, ये देखिए, ये रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको सोलो कर देता हूँ जी, अब दिखाएं। ये देखिए, ये है गुलाब जली जी। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग मंदिर में जाते हैं, कोई राजा महाराजाओं के
सम्मान में देखा होगा, आप लोगों ने उनकी महफिल में देखा होगा, या कोई मुजरे में देखा होगा, या शादी विवाह में बारात के स्वागत में देखा होगा, या देवी देवताओं के पूजन में देखा होगा कि गुलाब जल का छिड़काव होता है। जी जी ऐसे करके छिड़कते रहते हैं। जी जी याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। जी एकदम याद आ गया, एकदम याद आ गया। ये देखिए मैंने वंश परंपरागत तरीके से इसको बनाई है। जी देखिए क्या बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आम चीजों से हट करके जो परंपरागत चीजें हैं उनको बनाने में मेरा विशेष मन करता है। कहने का मतलब ये है कि मैं वंश परंपरागत कला को, उसकी पद्धति को, दोनों को जीवित रखना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप कोई भी क्षेत्र की कलाकार हो, वो अपने वंश परंपरागत पद्धति को त्यागे नहीं, भले ही कम पैसा मिल रहा हो, भले ही कम काम मिल रहा हो, उसको जीवित रखने में अपना अथक योगदान दें। अब मैं आप लोगों के सामने बहुत काम करें, बात करें, बहुत कुछ, यहाँ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ। मैं अगर कोई किसी भी उम्र का परिवार का सदस्य मीनाकारी का काम सीखना चाहता है, वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मेरे पास आ सकता है, मैं उसको फ्री ऑफ चार्ज मीनाकारी का काम सिखाता हूँ। वैसे अगर एक स्किल क्राफ्टमैन बनना है तो आपको करीबन 4 साल लग जाएंगे, और यदि आपको केवल मीनाकारी की जानकारी लेनी है तो 1 सप्ताह लगेगा, यदि आपको मीनाकारी की पद्धति को सीखनी है तो करीब 6 महीने लगेंगे, और यदि आप कारीगरी करना चाहते हैं तो 1 साल बाद में आप करने के सक्षम हो जाओगे। इधर मैं अभी जो आदरणीय ने बताया कैलाश जी ने कि मैं मेरे परिवार जो प्रभु की माया है, प्रभु का जो प्रसाद है, आप लोगों सक्षम पेश करो। देखिए ये मेरा सबसे बड़ी बहू है, ये मेरी सबसे बड़ी बहू है। आप रहा, हाँ। ये मेरी सबसे बड़ी बहू है, ये मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है, और ये लोग मेरा ध्यान रखते हैं और मेरी कला के अंदर मेरे को एक सहायक के रूप में काम करते हैं। क्या नाम है इनका? नाम क्या? इनका नाम है शिल्पा सिंह। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये भी करती है कला आपके साथ? ये भी शिल्पा जी थोड़ा सा और पिताजी के साथ हो जाएगी, थोड़ा तो हो जाएगी। बच्ची है ये, अच्छी पढ़ी लिखी MBA करे हुई लड़की है, जो मैंने बताया था ना आपको, मेरा बड़ा बेटा हरमिंदर डिजाइनर है भारत सरकार का, ये उसकी पत्नी है। इसके ये दो बेटे हैं, ये मेरे दो लाल गोपाल है, ये जयदित्य सिंह और ये है मेरा कीरत सिंह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन बच्चों को मैंने बेसिक नॉलेज दे दी है आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आओ, थैंक यू, आओ, लव यू बेटा, लव यू, लव यू। इधर आ, इधर आ यार, इधर आ बेटा। ये मेरा छोटा बेटा और उसकी बहू है, ये मनमीत सिंह और ये सानिका सिंह। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हाँ थोड़ा सा आप लोगों ने बहुत मदद किया, आने में दिक्कत हो रही थी जी। मैं ये मेरे बेटे ने काफी देर आपके साथ में संघर्ष किया। जी 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 जी, और संघर्ष में जीत गया। देखिए संघर्ष किया और जीत गया, ये बड़ी बात है। देखिए देखिए जहाँ चाह है वह रहा है। बहुत सही बात, बहुत सही बात, जहाँ चाह है वह रहा है। बहुत सही, लेकिन फाइनल टच दिया हमारी बड़ी बहू ने, शिल्पा सिंह ने। बारे, बारे, बारे। तो मैं ये छोटी बहू जो मेरी है सानिका सिंह, हाँ। इस बहू की मुझे एक खूबसूरती में बताना चाहूंगा, ये एक बहुत जबरदस्त कारीगर है। बारे, बारे। शिल्पकार नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट है, जन्मजात आर्टिस्ट है। बारे, इसके पिताजी डॉक्टरेट की हुए, PhD के अंदर, सुरेंद्र सिंह जी।
और वो कलाकार भी थे, सिंगर भी थे, लेखक भी थे, कविताएं पुस्तकें लिखने वाले थे। इसके दो भाई हैं, बॉम्बे के अंदर प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक, उनका अपना इंस्टीट्यूट चलता है वर्चुअल प्लेनेट के नाम से। और ये खुद सॉरी जैसा पानी पीना पड़ेगा, हाँ जी, ये खुद जो बच्चों को आजकल के आधुनिक तकनीक की कठपुतलियां से स्टोरी टेलिंग करती पहले आप पानी पीजिए और आप बताइए अपने बारे में, इनको थोड़ा पानी पीजिए तभी हाँ से जी बोले, आराम सर, करेंगे। मैं जी सर सर मैं इनको पानी पब्लिक पिलाइए, पानी हूँ। पिलाइए इनको, पहले पानी हाँ पिलाइए जी इनको, हाँ आप जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं पपेटियर हूँ। हम लोग बच्चों को अवेयर करते हैं रीडिंग पपेट्स और स्टोरीज के थ्रू, रीडिंग के लिए। तो हम जी आपके हाँ पास, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ रीड ग्लोबल, जी सर और मैं कंसल्टेंट हूँ उनका, और उसकी जो कंट्री डायरेक्टर है गीता मल्होत्रा। हम लोग जी जी बिल्कुल सर, आपके, मैं हाँ मैं जानते हैं हम लोग। हाँ हाँ जी तो आप, हाँ तो मैं उसका कंसल्टेंट हूँ, और आपके गीजगढ़ में, दौसा, दौसा में गीजगढ़ जगह है, वहां पर हमारा काम जी है। जी आपका काले सर खाम में, काले खो में हमारा काम है। तो हम कभी हाँ आपसे आएंगे, हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, और आप लोगों के साथ खाना वाना खाएंगे, और फिर हम बिल्कुल सर देखेंगे कि बिल्कुल आपके पपेट के साथ क्या काम कर सकते हैं, और आपके इस कलाकारी के जी साथ क्या काम कर सकते हैं। तो आपके सर, मेरा पापा जी के बड़ा साथ क्या काम कर सकते हैं, और आपके साथ क्या काम हाँ कर जी सर, मेरा सकते बड़ा सौभाग्य रहेगा मेरा भी आप सबके साथ मिलके, हैं। और जी, जरूर हाँ, आइएगा जी सर। पधारो मारे देश, अब पधारो मारो देश, क्या बात है। देश। और हरीश जी कह रहे हैं सारे परिवार को सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी मैं खालसा, वाहे गुरु की वाहेगुरु फतेह जी की फतेह, फतेह। मैं आपका और जी माननीय बता, हरीश जी का तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को करवाया। क्या और हरीश धन्यवाद, जी ये भी कह रहे कि मेरी आगे बेटा मेहनत मेरा सफल धन्यवाद, हुई, जो आपको आपका ये रूबरू मेरा छोटा प्रेजेंटेशन हो बेटा, सका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बोले। ये मेरा अच्छा, पोता तीसरे नंबर का, छोटे वाह वाह, इसका फोटो बेटे का आपने बच्चा भेजा है। था, इसका फोटो आपने भेजा था, इसका वीडियो हाँ भी है। हाँ हाँ बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा। और जो आपने जो बातें कही है, हम छोटे लोग हैं, लेकिन हम इस बात को जरूर सरकार तक अपने अपने भाषण से, अपनी सहभागिता से और अपने लेखन से, तीनों विधाओं से हम आपकी बात सरकार को, या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मातहत अधिकारी हैं, उन तक हम ले जाएंगे। और हमारा काम होता है किसी कला को संपूर्णता से समझना, और वही हम कर रहे हैं। और आप जैसे लोग हमारे साथ रहते हैं, जुड़ते हैं, तो उससे हमारा जो है सो और वैभव बढ़ता है, हमको ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे बड़े कलाकार, जो साक्षात ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, प्रजापति के प्रतिनिधि हैं, वो हमसे जुड़ते हैं, और जुड़ के अपनी बात कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, अपनी कला के गूढ़ तत्वों को बताते हैं, रंग संयोजन बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। और आपके सहयोग से आपकी कला का जो निष्कर्ष है, उसको लेके हम जनमानस तक पहुंचते हैं। तो फिर कभी हम आपसे बात करेंगे, कभी हम आपके घर पर भी जाकर आपसे बात करेंगे, समय आपका मिलेगा स्वागत तो है। कभी, हाँ समय मिलेगा तो आप पर हम लिखेंगे भी, और मित्रता तो हो ही गई है, हम आपको यदा कदा परेशान भी करते रहेंगे। आपका आप स्वागत है, आए, परेशानी नहीं है, खुशी होगी जी जी मेरे जी को। जी 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 तो बहुत सारे लोगों ने आपको ठीक बहुत है, बहुत प्रशंसा किए हैं, और आप आदरणीय आए। मिश्रा जी जी, हमारे एक कल्चर जी है अतिथि देवो भवे, तो जी 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 आप अतिथि आएंगे, देव आएगा, देव मेरे घर में, देव जरूर अतिथि जरूर आएंगे, देवो भवे। जरूर आएंगे। मैं गीता जी के साथ जाते रहता हूँ, तो मैं हाँ उनसे, अभी जब स्थिति थोड़ा सा सामान्य हो जाएगा, तो मैं हाँ नॉर्मल, जब स्थिति सामान्य हो जाने के बाद, मैं उनके साथ हाँ
आपके यहाँ आऊंगा और आपसे इस विषय पर, और पपेट पर भी हमने, मैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स में था तो पपेट पर हमने बहुत काम किया था, गांधी के कंसेप्ट को हम पपेट में लाए थे, पीस और अहिंसा का, इनका स्टोरी टेलिंग का जो काम है ना पपेट के माध्यम से, जी जी जी, उसके ऊपर अगर आप टेलीकास्ट करना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। जी जी, आप थोड़ा सा पहले ये होगा कि आपको थोड़ा वाईफाई लेना पड़ेगा, और वाईफाई लेके थोड़ी सी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप टेक्निकली देखिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं कला का तो उस्ताद हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का उस्ताद नहीं हूँ। होता है, कोई बात नहीं, मेरे मुझे भी मेरा मेरे बच्चे कर सकते हैं, मेरी बुआ ही कर सकती है, मैं नहीं कर सकता। तो धन्यवाद, हमारे पास प्रोफेसर रजनी कुमार झा हैं, वो कह रहे हैं कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कलात्मक मीनाकारी, तो सारे लोग आपसे बहुत खुश हुए। तो ये थे आपका, हरीश जी का, सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और मुझे मेरी आवाज को, मेरी कला को जनमानस तक पहुंचाने में मेरा सहयोग किया। तो ये थे मीनाकारी के कलाकार, कला गुरु, शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत, और कुदरत ने इनको कुछ ऐसा करिश्मा दिया हुआ है इनके हाथ में, को कहते हैं ना, गजब तेरी कारीगरी रे ओ करतार, वो आपको मिली हुई है, सही में बहुत ही सुंदर है। तो हमने आज इनको सुना, थोड़ा देर ही सही, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, हमने और हम बहुत लाभान्वित हुए, आपके एक एक शब्द अमृत कण के समान थे, जिसको हम उसको, उसका रस हम पीते रहे। तो आज इतना ही, कल हम एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कलाकार हुए, साहित्यकार हुए रेणु, उन पर हम चर्चा करेंगे 6 बजे। आपको भी निमंत्रण करता हूँ कि आप हमारे साइट पर आइए, आपको बहुत आनंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद सभी दर्शकों का। जी जी, सभी दर्शकों का जी, बस मैं आपको, आप हमारे मित्र हो गए हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा लिंक, चला जाएगा, इसका वीडियो क्लिप बनवा दे मेरे लिए। जी जी, बन गया, आपके पास अभी भेज दो, वो YouTube वाला कल रिलीज होगा, Facebook वाला अभी, आप मेरे Facebook मित्र हो, 2 मिनट इसको बंद करते ही आपको भेज दूंगा मैं। जी, बड़ी इसको बंद करते, जी 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 जी, भेज दूंगा, बहुत जी जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार।